हाल फिलहाल के दिनों में विराट कोहली और सौरव गांगुली को लेकर बहुत सारी बातें हुई। मीडिया में भी आपने तमाम तरह की खबर सुनी और यहां तक सुना कि दोनों के बीच में रिफ्ट है, दोनों के बीच में आपसी बनती नहीं है। जिस तरीके से विराट कोहली को कप्तानी से निकाला गया एंड सौरव गांगुली का बयान है कि उन्होंने खुद ही बात की थी विराट कोहली से कि आप कप्तानी ना दे, एंड उसके बाद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां पर उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने बात नहीं की। लेकिन अब इस विवाद में अब जो पूर्व भारतीय टीम के कप्तान है और पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने एक बड़ी बात कह दी और उन्होंने गांगुली के बारे में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और उनको बिल्कुल भी सिलेक्शन को लेकर नहीं बोलना चाहिए था, टीम के चयन को लेकर नहीं बोलना चाहिए था, कप्तान कौन होगा नहीं होगा उस पर नहीं बोलना चाहिए था। दिलीप वेंगसरकर जी का कहना है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का एक बयान आया था जहां पर कि उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर यह फैसला किया है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब विराट कोहली कप्तानी नहीं करेंगे, जबकि ये गलत चीज है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट को सिलेक्शन कमेटी के काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, यह काम सिलेक्शन कमेटी का था। चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन को आकर बताना चाहिए था कि विराट कोहली को जो हटाया गया है व्हाइट बॉल की कप्तानी से वो टोटली जो है वो बीसीसीआई के चयनकर्ताओं का डिसीजन होना चाहिए था, ना कि प्रेसिडेंट को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। यह कहना है बीसीसीआई के पूर्व सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन दिलीप वेंगसरकर जी का, और वो भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। तो गांगुली के बारे में उनका एक बड़ा बयान है और उन्होंने यही कही है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई प्रेसिडेंट को समझना चाहिए, उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था एंड चयनकर्ताओं का जो काम है वो उन्हीं को करना चाहिए था। अगर विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया तो ये टोटली कॉल जो है वो चयनकर्ताओं का होना चाहिए था, ना कि बीसीसीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए था। बड़ी बात कही है। क्या आप दिलीप वेंगसरकर की इन बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।